नमस्ते जय नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। JVM प्रोफेसर मंजू शर्मा, सब्जेक्ट नेम पीडागोगी ऑफ सोशल साइंस, यूनिवर्सिटी नेम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। टुडे वी आर स्टडिंग फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग। फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग सोशल साइंस में या कोई भी हम टीचिंग लेसन प्लान फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले हमारा ब्लैक बोर्ड एंट्री होता है। सबसे पहले हमारा ब्लैक बोर्ड एंट्री फिल करने के बाद हम कंटेंट एनालिसिस पे आते हैं। कंटेंट एनालिसिस में जब हमारे टीचिंग में थ्री फेजेस होते हैं, प्री फेज, इंटर फेज और पोस्ट फेज। प्री फेज में हम पूरा लेसन पढ़ाने से पहले सारा तैयार करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डायरी में लेसन तैयार कैसे करते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस करते हैं। जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक के तीन टीचिंग पॉइंट हम निकालते हैं। 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का हमारा लेसन प्लान होता है, उसका हम फॉर्मेशन करते हैं। कंटेंट एनालिसिस में जैसे हमने टॉपिक ले लिया कि प्राचीन काल के सिक्के, तो सिक्के टॉपिक लिया तो उसके हम तीन टीचिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, उन टीचिंग पॉइंट को निकाल के उनके साथ हम क्या टीचिंग ऐड लेंगे, ओवरऑल जो भी हम सोचते हैं वो हमारे प्री फेज में आता है। तो पहले हम टॉपिक के बाद हमारे तीन टीचिंग पॉइंट होते हैं, वो हमारा कंटेंट एनालिसिस होता है। उसके बाद हमारा उद्देश्य, हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में हमारा पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, नॉलेज होता है, दूसरा हमारा अवबोधात्मक होता है, तीसरा हमारा उद्देश्य होता है अभिव्यक्तात्मक हो सकता है या आपका ज्ञानोपयोग होता है, एप्लीकेशन होता है, चौथा हमारा स्किल होता है, पांचवा हमारा इंटरेस्ट होता है और छठा हमारा एटीट्यूड होता है, और लैंग्वेज में सातवां हमारा जो होता है वो आपका क्रिएटिविटी वाला होता है, मौलिकता वाला आपका होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञान, ज्ञान के आगे हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कैसे चाहते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू, जैसे एबल टू उसमें कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे पूरा हमारा उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन हम एक एक ऑब्जेक्ट के आगे, उद्देश्य के आगे हम लिखते हैं। पहले हमारा नॉलेज, फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अलग अलग हमारे होते हैं। इसके बाद आपका जो आपको नॉलेज मिली है उसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो, स्किल के साथ कैसे ऐड कर रहे हो, इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप करते हो, अदर बुक से, लाइब्रेरी से, ई नोट से, रिकमेंडेड नोट से कैसे आप ले रहे हैं, वो आपको बिहेवियरल चेंजेस में 4 4 5 5 आपको उसमें देना होता है, पॉइंट्स में देना होता है आपको। फिर आपका एटीट्यूड कि आप साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे या आपका पैट्रियोटिक, कौन सा आप कैसा कर रहे हैं, ये पूरा आपका होता है। इसके बाद आपका प्रीवियस नॉलेज, जो हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो हमारे को सपोर्ट करते हैं प्रीवियस नॉलेज में। प्रीवियस नॉलेज में या हमारा जो लेसन प्लान बनाते हैं सरल से कठिन से और इन सब प्रीवियस नॉलेज में, कि हमारा बालक उस टॉपिक के बारे में कुछ जानता है, ये हमको बताता है प्रीवियस नॉलेज और अब हम उसको क्या बताने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, हम चार्ट वगैरह कौन सा मॉडल बना रहे हैं, क्या चीज़ हम कैसे उनको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, सेट इंडक्शन, जो हमारे उसमें 5 क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 क्वेश्चन में मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ये हमारे लेसन प्लान का प्रवेश द्वार होता है। जितने अच्छे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, विन्यास प्रेरण कौशल हमारा होता है वो अच्छा डेवलप होगा, तो हमारा ये लेसन प्लान जो आगे बढ़ाएंगे वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो हमारे लर्निंग टीचिंग मटेरियल के बाद हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं, प्रस्तावना प्रश्न आते हैं, वो हमको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 लेने होते हैं। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आता है, उद्देश्य कथन आता है, उद्देश्य कथन में जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसका हमको उद्देश्य कथन बोलता हूँ। देन हमारा प्रेजेंटेशन होता है,
प्रेजेंटेशन में हमारा पहला टीचिंग पॉइंट में हमारा टीचर स्टूडेंट लर्निंग सिचुएशंस आता है। लर्निंग सिचुएशंस में हम कॉलम्स बनाते हैं, पहला कॉलम हमारा ऑब्जेक्टिव का बनता है, दूसरा हमारा टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट उसका आंसर देता है। उसके बाद हमारा स्किल, हम स्किल कौन सा हम काम में ले रहे हैं वो लिखा जाता है, आपका मेथड और टेक्निक कौन सी काम में ले रहे हो, इसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप कैसा लगा रहे हो और ब्लैक बोर्ड समरी आप उसमें क्या कर रहे हो। ऐसे आपके तीनों क्वेश्चन में पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन, फिर आपका टीचर स्टेटमेंट कैसे है अकॉर्डिंग टू TLM सामग्री के आप सारा प्रेजेंटेशन करते हैं और फिर ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हैं। ये सारा रिपीटेशन आपका तीनों टीचिंग पॉइंट्स में चलता है और तीनों टीचिंग पॉइंट में एंड में जब हम चलते हैं रिकैप्चररी क्वेश्चन, पुनरावृत्ति क्वेश्चंस आपके आते हैं, फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के 8 प्रकार होते हैं, उनमें से आप अलग अलग लेते हैं, फिर आपका गृह कार्य आता है। लैंग्वेज जो हमारी होती है संस्कृत हिंदी और इंग्लिश, उसका फॉर्मेशन अलग अलग होता है, उसके स्टेप अलग होते हैं। सोशल साइंसेज और साइंसेज में हमारा एक जैसा चलता है, 3 टीचिंग पॉइंट से हम विद मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम स्किल टेक्निक और आपका मेथड को साथ लेते हुए जो प्रेजेंटेशन क्लास में देते हैं और जो हम लर्नर को सेटिस्फाइड करते हैं, हेल्दी लर्निंग हेल्दी डिलीवरिंग जो रोल ऑफ टीचर का होता है वो हमारा लेसन फॉर्मेशन से होता है। प्री फेज, इंटरवेनिंग फेज और पोस्ट फेज, प्री में वो तैयार करता है, इंटरवेनिंग में क्लास में प्रेजेंटेशन देता है और पोस्ट में वो क्वेश्चंस असाइनमेंट देता है। थैंक यू।